आप सभी को मैं बता दूं कि आपका जो रिवीजन मैं करा रहा था मैराथन वाइज सब्जेक्ट वाइज जो करा रहा था वो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। और जितने भी सब्जेक्ट मैंने तो फ़िलहाल आपको ज्योग्राफी कराया था और उसके अलावा बाकी सारे के सारे मैं नहीं करा पाया था। लेकिन अगर आप बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप BPSC दे रहे हैं या फिर आप बिहार पुलिस दे रहे हैं या आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे जैसे मैं फिजिक्स का करा रहा हूँ मैराथन, तो फिजिक्स जहाँ भी आते हैं उन सभी के लिए आप उसे देखेंगे। सो इंतज़ार करिए, आप ज़्यादा नहीं बस 8 दिन इंतज़ार करिए और उसके बाद आपके पास वन बाय वन करके सारे के सारे मैराथन आएंगे, वो भी MCQ वाइज और वो भी क्या अच्छी क्वालिटी में। सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये खास होने वाला है, आप सभी इंतज़ार करना उसका। तो चलिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो सेट देखने वाले हैं और लेवल वाला सेट होगा और बिहार पुलिस के लिए खास होगा, बिहार दरोगा के लिए भी खास है। सो आप सभी इसको लगाइएगा, पेशेंस रखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन को। आज के जो सेट हैं सेट के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो या फिर हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सारे सब्जेक्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और ऐसा ही देखने को हमारा जो नया वाला बिहार पुलिस का पैटर्न है वो पैटर्न भी ऐसा ही कुछ है और क्वेश्चन भी लेवल का है। सो आप सभी पेशेंस बनाए रखिएगा और पूरा टेस्ट को देना है, देन फिर आपको स्कोर भी बताना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप अपना वीडियो का जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो यही कथन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल कौन से हैं। तो जैन धर्म के 3 रत्न थे, ये आपको बिल्कुल पता है, तो उनमें से कौन कौन है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा सही वाला कौन सा, तो ऑप्शन सी होगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला सवाल देखते हैं कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन दरोगा के अंदर पूछा गया था, वो 2213 सीट जो था उसके अंदर। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसको कहा गया है, क्या कहा गया है, तो पल्लिछादनम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद हैं ब्रह्मदेय किसको कहते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दी जाने वाली, दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, तो ब्रह्मदेय कहते थे। अगला सवाल है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई जो मुद्रा राक्षस है ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा के अंदर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासन के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो रुपया की अगर बात करूँ तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में इसका मुद्रा क्या होता है, तो ये प्रिंट हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो मुगलों और मराठों के बीच में युद्ध जो देखने को मिला था ये था कौन, तो औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के काल में देखने को मिला था, जिसके अंदर जो है शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने अंग्रेज ये औरंगज़ेब को परेशान कर रखा था गोरिल्ला युद्ध के थ्रू। अगला देखते हैं कि भारत में किस गवर्नर को स्थानीय स्वशासन का पापा कहा जाता है, कहने का मतलब पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है, तो ये रिपन को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत बार पूछे जाते हैं और कॉमन कॉमन सवाल हैं सेट के अंदर, बिल्कुल कॉमन सवाल हैं और जो कि आपको सीधा का सीधा बिहार पुलिस में देखने को भी मिलेगा और आपको दरोगा में भी देखने को मिलेगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था, तो ये हो गया था 1856 के अंदर में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अवध का विलय। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको पता है कि बंगाल में विभाजन हुआ था, बंगाल को तोड़ दिया गया था 1905 के अंदर, और इनका जो नेतृत्व किया था विरोध का नेतृत्व SN बनर्जी ने किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा गया था ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं गुरु की उपाधि, यानी इनको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया था, क्या आप हमें एक कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा उपाधि दिया गया था। अगला है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है।
तो सत्यशोधक समाज की अगर स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना होती है 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया जाता है इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो ये था 1/2 भाग, यानी आप जितना उपजाएं उसका आधा भाग ले लिया जाता था। उसके बाद है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है, तो किसकी समानता देता है? तो ये देता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का क्या देता है? वचन देता है, अधिकार देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया हुआ था स्वर्ण सिंह समिति ने, और इसी स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे क्या होती है 1976 में हमारे संविधान के अंदर, यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, कौन सा आपको ये ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान के अंदर जो हैं 10 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया जाता है। कितने? 10 मूल कर्तव्य। और उसके बाद जो हैं बाद में एक और जोड़ दिया जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, और जो कि अब बढ़ के हो जाती है 11। तो वर्तमान में अगर मूल कर्तव्य की संख्या की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में यही संख्या जो है 11 हो गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं और कौन से नंबर के हैं, आपको ये भी बताना है। तो दो सवाल मैंने अभी किया, एक तो राष्ट्रपति कौन है और दूसरा कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। और आपको करना क्या है कि तुरंत इसको पॉज करो और तुरंत से जो है जैसे ही मैं क्वेश्चन करूँ उसका रिप्लाई कर दिया करो, क्योंकि आप लास्ट जाते जाते भूल जाओगे। अगला सवाल है कि ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो शामिल होते हैं वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गाँव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यह है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो है वो केंद्र तथा राज्य के अंदर जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। अगर वहीं पर मैं केंद्र की बात करूँ तो केंद्र में कितने परसेंट होते हैं? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यही बातें दिल्ली की करूं तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो है ये 10% होता है, यानी दिल्ली सरकार के लिए 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये परामर्शदात्री संस्था है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसके उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है ये है अनुच्छेद 241 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो ये किसके द्वारा होता है लोकसभा का निर्वाचन? तो ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है चुन लिया जाता है। तो वो कौन बन जाते हैं? तो लोकसभा स्पीकर बन जाते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ ये जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है ये जो है इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के अधिकारिता में आता है। अगला सवाल है कि स्वर्णिम त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से कौन सा देश का इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो अगर मैं बात करूं तो ये जो कंबोडिया है इस त्रिभुज के भाग नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगर वहीं मैं भारतीय प्रवासी दिवस की अगर मैं बात करूँ तो फिर जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो जो है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस है।
अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछे तो 18 दिसंबर, ठीक है, उसी को डबल कर दीजिए और महीना को लास्ट कर दीजिए, तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अगला सवाल है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो लोसुंग त्यौहार जो है ये सिक्किम के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित हैं, तो योनेक्स जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप जाएंगे दुकान में, स्पोर्ट के दुकान में, तो आप उसको जब बोलेंगे कि बैडमिंटन दे दीजिए, तो आपको वो बोलेगा किस कौन सा बैडमिंटन दे दूँ, मतलब किस कंपनी का दे दूँ, योनेक्स का दे दूँ, तो आप कहेंगे सबसे बढ़िया, तो वो बोलेगा योनेक्स तो सबसे बढ़िया है। चलिए अगला है कि सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है, तो सूरज ताल झील जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, और वैसे आपने बचपन से पढ़ा है, यानी बचपन से नहीं पढ़ा है, जब से आप कॉम्पिटिशन में आए हैं तब से पढ़ा है कि ताल वर्ड आते हैं उत्तराखंड मारते हैं आप, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, सो आप इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा। उसके बाद है इको सिस्टम की परिभाषा सही कौन सा होता है, तो इको सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो चलिए इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो इको सिस्टम बोलते हैं जीव समुदाय और इसके वातावरण का संतुलित तंत्र, उसको कहते हैं इको सिस्टम, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत होने चाहिए, तो ये होने चाहिए टोटल 33.33%, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद हैं कि एपिफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हो रहते हैं, क्यों होते हैं अन्य पौधों पर निर्भर क्यों होते हैं, तो ये यांत्रिक मदद के लिए यानी सपोर्ट के लिए, ताकि ये सही से क्या हो सके, खड़ा हो सके, तो उसके लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं एपिफाइटिस पौधे। उसके बाद हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिमलीपाल की स्थापना वर्ष जो है आपका 1994 में है, उसके बाद कंचनजंगा 2002 में नहीं है, नौकरेक आपका ये आपका 1988 में, पन्ना आपका 2011 में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करूँ सिमलीपाल तो ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में, कंचनजंगा कहाँ है तो ये सिक्किम में, नौकरेक कहाँ है तो ये आपका मेघालय में, और उसके बाद पन्ना कहाँ है तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, और पन्ना वैसे किस चीज़ के लिए फेमस है आप हमें कमेंट कीजिए। अगला है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो पहला हाई कोर्ट जो बना है ये बना है केरल हाई कोर्ट। केरल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप जारी किया गया है, तो ये ऐप ये है तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। हाल ही में संगम नौसेना का आयोजन भारत ने किस देश के साथ में किया है, तो ये किया हुआ है अमेरिका के साथ में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है, तो ये देश है टोंगा, 187वां देश या अंतिम देश अभी जो वर्तमान में है ये है टोंगा। अगला सवाल है कि विश्व हिंदी सम्मेलन जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं इन्होंने क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था फिजी के अंदर हिंदी सम्मेलन के अंदर। अगला है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो बड़ा ही सिंपल, देखिए कैसे, तो त से तुर्की, स से सीरिया, ठीक है, तो स से सीरिया यहाँ ले लीजिए और त से तुर्की यहाँ ले लीजिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऐसा, तो आप देखेंगे ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में देश का प्रथम स्थान कौन, यानी कौन से देश को प्रथम स्थान मिला है, तो ये पूछ रहे हैं हमसे, तो अमेरिका जो है इसको जो है प्रथम स्थान मिला है, जबकि भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत जो है चौथे स्थान पे। अगला सवाल देख, वित्त वर्ष 2022-23 के 2023-24 के दौरान जीडीपी का विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो ये अनुमान है 6 से 6.8%। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है पहला है दूध उत्पादन के लिए। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है, तो ये जो अंशु हैं इनका संबंध कुश्ती से है। अगला सवाल देखते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार 2023 के लिए किसे एल्बम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया, तो एल्बम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया हैरी हाउस को, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, तो विक्ट्री सिटी के जो लेखक हैं ये हैं सलमान रुश्दी, और इनके और भी बहुत सारे पुस्तक हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, सो आपको उनको भी ध्यान में रखना है। और ये जो नाम है इस नाम को भी ध्यान रखिएगा, शांति के लिए नोबेल इनको मिला हुआ है 2014 के अंदर पाकिस्तान की
लड़की कौन, तो मलाला यूसुफ जई के साथ में। अगले सवाल देखते हैं कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है। तो कैंसर दिवस 2023 का थीम था क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है कौन सा, तो ये है नई दिल्ली। अगर वहीं पे मैं बात करूँ सबसे स्वच्छ शहर तो वो कौन सा है, तो वो इंदौर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इधर आपको राज्य दे रखा है और फिर राज्यपाल दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का कैरी परनाइक, मेघालय का फागु चौहान, झारखंड का राधा कृष्णन और महाराष्ट्र का जो आप देख रहे हैं ये गलत दे रखा है। अच्छा, तो ये हमें कमेंट करके बताइएगा कि महाराष्ट्र के एक्चुअली में अभी हैं कौन, वर्तमान में कौन है। और ये वीडियो आप हो सकता है कि आप 6 महीने के बाद देख रहे हैं, तो हो सकता है ये डाटा बदल गया हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप खुद ही बता दीजिएगा कि वर्तमान में अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया और इनका संबंध किस क्षेत्र से था, इनका संबंध जो है खेल से था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं संगीता वर्मा। और इस डाटा को भी आपको अपडेट रखना है क्योंकि ये ऐसे डाटा हैं जो कि बदलते रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका अगर मैं बात करूँ तो ये भोपाल के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो ये मनाई गई है 200वां जयंती। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 2 यानी डबल सेंचुरी लग चुका है इनकी जयंती का। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली के अंदर किया गया, तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और हुबली की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक के अंदर है। अगर वहीं पर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि हुगली किस राज्य के अंदर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हुगली जो है ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है कई बार, तो आप जो है डाउट मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रामचंद्र पौडेल, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है, तो ये जो मनाया गया है ये मणिपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है, तो वंदे भारत ट्रेन की संचालन करने वाली जो पहली महिला बनी है वो है सुरेखा यादव, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो सवाल है ना, बिहार पुलिस के अंदर वंदे भारत से एक सवाल पूछा गया था जो कि बिहार के अंदर चला था, बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस, आपसे यही पूछा था कि कहां से कहां के लिए चलाया गया, तो वो आपका पटना से रांची के लिए चलाया गया था, जो कि आपको ध्यान में रखना था और सवाल आपसे पूछा गया था। तो अगला सवाल देखते हैं कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो रबी फसल की बुआई की अगर मैं बात करूं तो ये जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको बोते हैं। अगला सवाल है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो जूट उत्पादन के अंदर पश्चिम बंगाल जो है सबसे अग्रणी राज्य है। आपने देखा है ना कि वो जूट का जो बोरा जिसके अंदर आलू आते हैं, प्लास्टिक वाला नहीं, जूट वाला बोरा, ठीक है, भूरा भूरा टाइप का, तो वही है जूट। तो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। अगला है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, तो म्यांमार से सबसे ज़्यादा जो टच होती है अरुणाचल प्रदेश होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ये किसके कारण होती है, तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है, तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस को, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, तो नंदा देवी चोटी की अगर मैं बात करूँ तो ये है कुमाऊँ हिमालय का भाग, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये किसके द्वारा निर्मित है, ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है,
तो दूध गंगा की अगर बात करूँ तो ये चिनाब नदी की क्या है, तो सहायक नदी है। चिनाब का पुराना नाम आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, चिनाब को अस्किनी बोलते हैं, ठीक है। और झेलम को क्या बोलते हैं, तो वितस्ता बोलते हैं ऋग्वेद काल में। अगला है कि भार की एसआई मात्रक क्या होता है। आप यहाँ पे बहुत बड़ा गलती करने वाले हो, क्योंकि बचपन से जो है हम लोग यही पढ़ते आते हैं, और जो कि गलत पढ़ते आते हैं, और कभी भी हमारे गलतियों पे किसी ने ना तो हमें रोका ना तो हमें बताया। तो मैं आपको आज बता दूँ, आपको अगर जैसे ही मैं पूछता हूँ कि आपका भार कितना है, तो आप कहते हो, कोई कहते हो कि भैया मेरा भार जो है 60 kg है, कोई कहते हो कि भैया मेरा भार जो है 40 kg है। तो 40 kg लड़कियों का ही भार हो सकता है आपके एज के अनुसार, और 60 kg लड़कों का हो सकता है, सो आप इसको समझ सकते हैं। तो एक्चुअली में आप जो भार के साथ में वो जो 40 kg वर्ड बोल रहे हो ना, भार के लिए kg डिनोट कर रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो, ये गलत बोल रहे हो, ठीक है। आप जो kg बोलोगे ना, वो जब मैं आपको पूछूंगा कि आपका द्रव्यमान कितना है, देन फिर आप वहाँ पे कह सकते हो। बट जैसे ही आपको मैं भार कह रहा हूँ, तो आपको kg में नहीं बोलना है, आपको किस में बोलना है, तो न्यूटन में बोलना है, आपको न्यूटन में बोलना पड़ेगा, ठीक है। किस में, न्यूटन में बोलना पड़ेगा। तो भार का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो न्यूटन होता है। सो आप आज से अपने दिमाग में इसको अच्छे से क्या करिए, सेट कर लीजिए। और वहीं जो kg बोलते हैं ना, वो द्रव्यमान का है, ठीक है, द्रव्यमान का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑडोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, आपको बिल्कुल पता होगा। एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं कहाँ, तो ये भी पता होगा। एनीमो मतलब होता है विंड, यानी एयर होता है, और यानी उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर। और ऑडोमीटर क्या हो गया, तो ये स्पीड जो आप चलाते हैं, बाइक जो चलाते हैं, आपने कितना दूरी कवर किया, वो टोटल दूरी को दिखाने के लिए किलोमीटर में जो दिखाता है आपको ऑडोमीटर। और एक उसी में और लगा होता है स्पीडोमीटर, जो कि आपको स्पीड को दिखाता है। अगला सवाल है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि दो कण के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम हो जाएगा। अगर दो कण के बीच का दूरी बढ़ जाए तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, और दूरी घट जाए तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। अगला है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो ये दोनों जो कार्य करते हैं ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, आप यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो कि तरंग की विशेषता को नहीं दिखाता है। तो ये जो माध्यम देख रहे हैं ना, ये तरंग की विशेषता को नहीं बताता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन वो जिसमें कि नया चीज़ बने, तो नया चीज़ कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूध का दही बनना, तो दूध जब आपका दही बन जाएगा, तो क्या आप दही को पुनः दूध बना सकते हैं, क्या नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारे के सारे जो हैं आपका वो क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया, तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है डाल्टन, डाल्टन साहब ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था। अगले सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ये है गैलियम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है आपसे ये पूछा है। तो आपने पढ़ा है कि जब लास्ट में एक मिल जाए तो वो क्या होता है, एक मिल जाए, दो मिल जाए, तीन मिल जाए, तो वो क्या होते हैं, तो वो धातु होते हैं, और जिसमें ना मिले वो अधातु कहलाएंगे, जिसमें कि 5 हो 6 हो 7 हो, तो ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं, और 8 हो तो नावेल होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा परमाणु क्रमांक, जिसको कि मूल विशेषता माना जाता है। इसके बाद है कि ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में एक्चुअली में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हालांकि ऑक्सीकरण की और भी कई सारे परिभाषाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण हमें आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना, पढ़ा है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का रिमूव होना,
इलेक्ट्रॉन की कमी होना, ये सारी की सारी बातें जो हैं एक ही हैं, बस आपको ध्यान होनी चाहिए कि आपको डेफिनेशन के अनुसार यानी ऑप्शन के अनुसार कैसा डेफिनेशन लगाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य है तो वह लवण कैसा होगा? अगर पीएच मान शून्य है तो वो लवण जो है ना वो बिल्कुल सशक्त एसिड होगा, लेकिन बेस कैसा होगा? एकदम कमज़ोर वाला बेस होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसके अंदर जो है क्षार जल में OH- आयन देते हैं। कैसा देता है? OH- आयन देता है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है, तो वो कौन है? तो ये है हीलियम। तो बिल्कुल यहाँ पे निष्क्रिय है हीलियम, इसका जो परमाणु संख्या होता है दो, और इसका आउटर सेल में यानी पहला जो इसका के सेल होता है वो पूरा का पूरा दो इलेक्ट्रॉन से फुल फिल हो जाता है। अब इसे ना तो चाहिए, ना तो लेना है किसी से, ना तो देना है, यानी ये क्या करता है, डेट पूरा कर लेता है। इसी कारण क्या होता है, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, तो निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है अधातुओं का व्यापक उपयोग किसमें होता है? तो अधातुओं का जो व्यापक उपयोग होता है ये खाद के रूप में होता है। आपने देखा होगा N यानी नाइट्रोजन, P उसके बाद K, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का उपयोग देखिए तो खासकर कहाँ पे होता है, तो खाद के रूप में होता है, कंपोस्ट के रूप में होता है। अगला सवाल देखते हैं कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हीमेटोलॉजी को कहते हैं ब्लड यानी रक्त कहते हैं। तो आप देख सकते हैं तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट हो जाता है, पहला ऑप्शन। अगला सवाल है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसके प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में वचा संचायक ऊतक कौन सा है? तो ये होता है एपिडोज ऊतक, ठीक है, एडिपोज ऊतक। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अस्थाई ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थाई संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं विभेदन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है कार्बन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ये योगदान दिया हुआ था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहे कि जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित हैं? क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब होगा लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तो इसको समझ लीजिएगा। तो ये बहुत बार रिपीट हुए हैं और इसकी आंसर की बात करूँ तो ये एनिलिडा से बिलोंग्स करते हैं। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मछली के अंदर, यानी सारे के सारे दांत एक तरह के। अगला है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो यहाँ पे मनुष्य के जो पाचन में उत्सर्जित अम्ल होता है ये होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी विषाणु से होने वाला रोग कौन सा नहीं है? तो ये जो तपेदिक होता है ना ये आपका जो है जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है, ये विषाणु से नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष था PC महालनोबिस। इसके बाद है नेशनल डिफेंस ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित कहाँ पे हैं? तो ये जो स्थित हैं ये हैं आपका हैदराबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कीमत सूचकांक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता की कीमत सूचकांक का उपयोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये आपका मैथ से सवाल है, तो इसको भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती एक्स, यानी मध्यानुपाती क्या होता है, तो रूट अंडर ए बी होता है। तो रूट अंडर लगा देता हूँ ए बी, यानी 39 इंटू कितना, तो 156, ठीक है। आगे कह रहा है कि 24 और 36 का तृतीय अनुपाती हुआ है, तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर मतलब 36 गुना 36 और अपॉन ए मतलब 24, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे ये x है, इधर वाला ये x है और इधर वाला ये y है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके जो भी आएगा ये x होगा और यहाँ से जो भी आएगा ये y होगा। फिर उसको क्या करना है आपको, ये जो आप देख रहे हैं ना x, इसके जगह रखना है और यहाँ जो देख रहे हैं y, y के जगह रखना है और काट छांट के इसको क्या करना है, छोटा कर देना और उसके बाद आपका अनुपात आ जाएगा। अगला सवाल, विश्रामों को छोड़कर बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम के साथ बस की गति 48 हो जाती है, यानी जब बस चलेगा लगातार चलेगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन जब वही बस जो है रुक रुक के चले तो ओबियस सी बात है टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगा। तो ये कह रहे कि प्रत्येक घंटे में बस कितने देर के लिए विश्राम करती है हमें बताना है। तो देखिए इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, बनाते कैसे, जो पहले रियल स्पीड है उसको लिखिए और जो आराम करने के बाद स्पीड लग रहा है उसको लिखिए और बटा में रियल स्पीड कर दीजिए, आ गया। और अब क्या करिए, इसको जो है एक घंटा बोला है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आपका काम हो गया। तो हमारा हो गया कितना, तो 15 मिनट राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर 2+√3 (a)(2-√3)(b) = 1 दे रखा है, देन फिर आपको 1/(a+1)(b) निकालना है। तो कैसे निकालना होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको a/b निकालना है, a/b का रेशियो निकालना है। तो जैसे ही निकालेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा इतना, ठीक है, इतना निकल के आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज जैसे ही करेंगे तो इसको रैशनलाइज करना है 2-√3 से और ये भी हो गया 2-√3। अब इसको करना है सोल्व, तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही सोल्व करेंगे तो इधर जो है आपका ऊपर में जो है a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर ये 3 हो गया और -4√3 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा की बात करते हैं तो बट्टा में हो जाएगा 1। अब इसको करना है सोल्व, तो ये हो गया 7 और माइनस में 4√3, ठीक है। ये किसका वैल्यू हो गया, तो ये आपको जो है a/b का वैल्यू मिल गया, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, a की जगह इसको, b की जगह इसको, ठीक है। देन फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप इसको a का वैल्यू लेके चलिए इस पूरे को और इसको b का वैल्यू लेके चलिए और इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन नंबर आपका d यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि 3 साझेदार हैं ABC, इसके बाद हैं ये पैसा लगाते हैं 40,000, 38,000 और उसके बाद 42,000। तो 40,000, 38,000, 42,000 और एक वर्ष के अंत में इसे लाभ होता है कितना, तो अब 55,200 रुपये का, तो एक का लाभांश बताना है। तो देखिए सबसे पहले ABC की अगर मैं बात करूं लाभ का, अनुपात का, तो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ तो जीरो से सारे के सारे जीरो काट रहा हूँ, तो ये 40 हो गया, ये 38 हो गया और ये कितना हो जाएगा, तो ये 42 हो गया। और छोटा कर सकते हैं इसको, चार से नहीं, दो से, सभी के सभी छोटे होंगे तो दो से जब छोटा करूँगा, तो आपके सामने ये छोटा कर दिया हूँ। तो अब क्या करना है कि ये कह रहा है कि टोटल जो है इतना का लाभ होता है एक वर्ष के अंत में कितना, तो 552 के ऊपर 00, 552 के ऊपर 00। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, तो 20 और 19 और 21, तो टोटल हो गए 60। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ए का भाग निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए का भाग है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया 3 और 3 से इसको भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 18,400। अगला सवाल देखते हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं और दो उम्मीदवार हैं तो मान लेते हैं वोटिंग जो है 100% वोटिंग हुआ है, तो उसके बाद जो है 71, एक उम्मीदवार को 71% वोट मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 29% ही तो मिलेगा। तो कह रहा है कि 756 वोट से जीत गया, आप देखो कितने का अंतर है, कितने वोट से जीत रहा है ये। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है लगभग, चलिए मैं माइनस ही कर देता हूँ, तो ये हो गया 42%।
तो लेकिन यहाँ पे कह रहे कि ये 756 वोट से जीत गया, मेरे अकॉर्डिंग तो ये 42% है। तो ये कह रहे कि मतों की संख्या ज्ञात करिए जो कि मैंने 100 माना है, तो इसको 16 कर लीजिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा 1800। तो ये था, आपने कितना स्कोर किया आप हमें ज़रूर बताइएगा। और क्वालिटी ज़रूर, वीडियो का जो है क्वेश्चन का क्वालिटी वो कम है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस 2-4 दिन आप कष्ट कीजिए और उसके बाद फिर मैं सारे के सारे आपको क्वालिटी के साथ सारा कुछ देने वाला हूँ और मैराथन देने वाला हूँ, एक एक करके हिंदी से लेकर सारा सब्जेक्ट करा दूँगा आपको। आप जुड़े रहिए हमारे साथ एक विश्वास के साथ, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूँगा। तो लव यू ऑल, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने स्कोर कितना किया।